हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा छठवीं नादान दोस्त पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न एक, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? उत्तर, बाल मन जिज्ञासाओं से भरा होता है। उन्होंने कभी अंडे नहीं देखे थे। उनके घर वालों ने भी उनको अंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उनको पता नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। बच्चों के मन में इस तरह के सवाल स्वाभाविक ही थे। प्रश्न दो, केशव ने श्यामा से चिथड़े टोकरी और दाना पानी मंगा कर कर्निस पर क्यों रखे थे? उत्तर, कर्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाया था, इसीलिए टोकरी मंगाई गई, चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई गई, दाना पानी मंगा कर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया, प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया गया था। प्रश्न तीन, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? उत्तर, केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चों ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी। वास्तव में वे तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में हत्या हो गई। इसके बाद हम कहानी से आगे के प्रश्नोत्तर देखेंगे। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, चिड़िया इतना कहां से लाएगी, गरीब बच्चे इस तरह चू चू करके मर जाएंगे, उन्हें धूप से भी कष्ट होगा। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडों तक नहीं पहुँच जाएगा। कर्निस तक कोई जानवर न पहुंचे मैं इसका प्रयास करता। हम अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। चिड़ियों के लिए दाना हम कर्निस पर रखने की जगह नीचे जमीन पर बिखेर देते। प्रश्न दो, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर ही दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? उत्तर, क्योंकि वही समय ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चे को देख सकते थे। माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ न लगाने देती। माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। प्रश्न तीन, प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, आप इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर, हम इसका दूसरा अन्य शीर्षक रक्षा में हत्या या बच्चों की नादानी देना चाहेंगे। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अनुमान और कल्पना। प्रश्न एक, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। उत्तर, अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। उनकी माँ उन्हें इतनी सर्दी में बाहर निकलने के लिए डांटती। अगर बरसात का मौसम होता तो वे अंडों को पानी से बचाने के लिए चिंतित रहते। उस समय उन्हें पानी में बाहर निकलने के लिए माँ से डांट सुननी पड़ती। प्रश्न दो, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी, इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। उत्तर, चिड़ियों के सारे अंडे फूट गए।
इसीलिए दोनों वहाँ से चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। वे दोनों वहाँ से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर गई होंगी, वहाँ घोंसला बनाया होगा और फिर समय आने पर अंडे दिए होंगे। प्रश्न 3, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। उत्तर, मुझे अपने घर में पैदा हुए बिल्ली के नवजात बच्चों के प्रति कौतूहल बना रहता था। एक बार मेरे घर के पिछले हिस्से में एक बिल्ली ने 3 बच्चे दिए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत कौतूहल हुआ। बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थी। उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं माँ से छुपाकर कटोरी में दूध रख आया करती थी और कभी कभी अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें खिला देती थी। मेरे मन में अक्सर यह सवाल उठता था कि बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाती है तो क्या उन्हें दर्द नहीं होता है? इसके बाद हम भाषा की बात अध्ययन करेंगे। भाषा की बात, प्रश्न 1, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? प्रश्न 2, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, वड़ा, अंडा, यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। इसीलिए विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। आप 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनको वाक्य बनाओ, वाक्य में प्रयोग करो। उत्तर, गुणवाचक विशेषण वाक्य, ईमानदार, आयुष एक ईमानदार लड़का है। नीला, आसमान का रंग नीला है। मोटी, रीना मोटी है। मीठा, सेव मीठा है। प्रश्न 3, केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। कर वाले शब्दों को क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर, झुंझलाकर, मोहन की बात सुन नेहा झुंझलाकर चली गई। ख, बनाकर, माँ खाना बनाकर चली गई। ग, घबराकर, दुर्घटना की खबर सुन वह घबराकर उठा। घ, टिकाकर, अर्जुन ने नजरें टिकाकर निशाना साधा। व, गिड़गिड़ाकर, राजीव ने गिड़गिड़ाकर श्याम से माफी मांगी। प्रश्न 4, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का अंश दिया गया है। आप इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाला, खोमचे वाला, कहिए क्या हूँ?
भूख लग गई ना अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटराम अब क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख न लगे। मुझे तो केवल इसीलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे देखो तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। यहाँ पर तो विराम चिन्ह है ही नहीं। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले कहिए क्या हूँ, भूख लग गई ना, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, चाहे तो महीनों पड़े रहें और भूख न लगे। मुझे तो केवल इसीलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखें तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। अब हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। कर्निस यानी दीवारों के ऊपर आगे बढ़ा हुआ भाग। सुध यानी ध्यान, तसल्ली अर्थ दिलासा, फुर्र से यानी शीघ्र ही, पैचीदा यानी मुश्किल, और अधीर अर्थ जिसमें धैर्य ना हो, चारा यानी भोजन, जिज्ञासा का अर्थ जानने की इच्छा, हिकमत का अर्थ उपाय, चाव का अर्थ शौक, अंदाजा यानी अनुमान, उधड़बुन यानी सोच विचार, सुराख यानी छेद, आंख बचाकर यानी नजरों से बचकर, प्रस्ताव यानी सुझाव, तकलीफ यानी कष्ट, हिफाजत यानी रक्षा, दबी आवाज से यानी धीरे से, बहलाना का अर्थ खुश करना, चालाक यानी चतुर, चटनी कर डालना अर्थ खूब पीटना, चिथड़े यानी फटे हुए, वरना यानी नहीं तो, टहनी का अर्थ पेड़ की शाखा, अहिस्ता से यानी धीरे धीरे, कसूर का अर्थ अपराध दोष, उल्टे पांव दौड़ना यानी देखते ही दौड़ पड़ना, एकाएक यानी अचानक, ताकना यानी देखना, भीगी बिल्ली बना यानी डरा हुआ, चेहरे का रंग उड़ना अर्थ घबरा जाना, सोटी यानी डंडा, जोग का अर्थ कोशिश, और सत्यानाश यानी पूर्ण नाश। आज हमने नादान दोस्त पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन किया। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।